राधे कृष्णा दोस्तों। तो कैसे सभी, आई होप सभी बहुत अच्छे से होंगे। तो गाइस, आज फिर मैं कहीं घूमने जा रही हूँ घूमने नहीं जा रही हूँ, वैसे स्पेशली घूमने तो नहीं जा रहे, पर जा हम रहे हैं शूट पे। और गाइस, जो हमारी आज की शूटिंग है, जिनके साथ मैं आपको भी मिलाने जा रही हूँ, बहुत टाइम के बाद हम मिल रहे हैं और काफ़ी दिनों के बाद शायद हमारे ब्लॉग में भी वो आ रहे हैं, तो मैं आपको मिलाती हूँ। कौन है तो भाभी के साइड और नीलू भैया, जय माता दी, और सारे और गाइस खड़े हो कि तनजा दे YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करो वीडियो जरूर देखा, तो हां करना लाइक एंड शेयर जरूर दबाना। भाभी बोलते लाइक एंड शेयर। गणेश कर बोले ये पीजेड़ा भाई ਇਹ ਬਰਗਰ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਨੀਲ ਭਾਈ ਦਾ ਕੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੈ ਅੱਜ, ਦੱਸਾ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਰਾਮ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਗਾੜੇ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਕੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਤਾਏਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਦਾ ਗਾਣਾ ਵੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਤਾਤੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਸਿੰਗਰ ਕੌਣ ਹੈ ਉਸ ਗਾਣੇ ਦਾ, ਅਭੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਮ ਬਤਾਨੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਨਕੇ ਸਾਥ ਵੀ ਆਪਕੋ ਮਿਲਾਏਗੇ। ਮਿਲਾਏਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਮਾਰੇ ਕਲੋਸ ਫਰੈਂਡ ਵੀ ਹੈ ਵੋ, ਔਰ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣੇ ਤੋ। ਗਾਇਸ, ਅਭੀ ਹਮ जा रहे हैं, अभी हमने बर्गर खाया क्योंकि बहुत ही भूख लगी थी सुबह तो नहीं हुई, वैसे आपको धुंध को देख के लग रहा होगा कि 6-7 बजे का टाइम है, पर 6-7 नहीं बजे या 10 बजने वाले बज गए होंगे, शायद 10 भी बज गए होंगे। और अभी हम जा रहे हैं नीलू भैया के घर, क्योंकि वहां से हमने लेना कुछ सामान नीलू भैया के कपड़े, हमारे जो की ड्रेस है वो हमारे घर पे ही रह गई है, तो हमें वापस जाना पड़ रहा है ड्रेस लेने के लिए, स्पेशली ड्रेस। हां, नहीं तो हमने तंजा के थोड़ा से चले जाना था। हां बस। तो गाइस, अब हम बहुत अच्छी लोकेशन पे पहुंचे हैं, पर हम रुक नहीं सकते, पर आप सभी को बता देते हैं क्योंकि बहुत ही प्यारी जगह घूमने वाली, बम्बे पिकनिक स्पॉट, और आप सभी भी जरूर आए यहाँ पे, और बहुत अच्छी अच्छी गेमें हैं यहाँ पे, सब कुछ है, A to Z, बहुत दूर दूर के लोग आते हैं, और आपको पता बम्बे तो जा नहीं सकते, तो यहाँ पे तो आ ही सकते हैं ना, अरे नीलू भैया। बिल्कुल, बम्बे तो भी मतलब बढ़िया जगह है, मतलब घूमने के दिखेगी ना अंदर, तो आज बम्बे लेकर फीलिंग आई जानी। हाँ, और बोला मुंबई पुजी एक बार हम जाके आए, फिर जाएंगे आते टाइम। चलो गाइस, आगे चलते हैं माता चिंतपूर्णी रोड पर। हाँ, ये है माता चिंतपूर्णी रोड, थोड़ी सी लोकेशन आप दिखा दी अपने कैमरे के जरिए। हाँ जी, दिखा रहे हैं। यहाँ पे काफी तोड़ मरोड़ है, यहाँ पे टेढ़े मेढ़े रास्ते और रोडों पे आ जाती है, कईयों को उल्टियाँ, कईयों को सीढ़ियाँ सीढ़ियों को नीलू भैया, सीढ़ियाँ कौन सी होती हैं? सीढ़ियाँ होती हैं जो कि जो सीढ़ी आ जाती हैं, और जो कि टेढ़ी मेढ़ी होकर आते हैं उनको बोल देते हैं उल्टियाँ। देखो आप गाइस, जगह देखो, ये हिमाचल की हसीन वादियाँ, हसीन वादी, और हम इन हसीन वादियों में ही जा रहे हैं अभी। तो गाइस जरूर आए, जो आपको लोकेशन बताई है मैंने, वहाँ पे जरूर आए, बहुत अच्छी रोड पर आएंगे आपके नीलू भैया के घर, जब आप माता चिंतपूर्णी से होकर। नीलू भैया आपका घर भीतरी है? हाँ बिल्कुल जी, हम गए तो आए, पर मेरे को याद भूल जाता है वहाँ पर। मंकी, और देखो मंकी, यहाँ पे मंकी सबसे ज्यादा बोलते हैं। किन्नू 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 टू मुबारकपुर बॉम्बे पिकनिक रोड, ये देख सकते हैं यहाँ पर इतनी मतलब ज्यादा मंकी, बहुत ज्यादा पहाड़ी चो लड़े नीलू भाई। हाँ, जेडे पंजाब दे हाड़े भाई भैन आउंदे ना, सारे दी फुल सेवा करदे पे हैं, उन्हें जंगला छड्डी के सड़क ते बन्ना आई हो। अच्छा, सड़क ते बन्ना तो जे पता जे बंदा आई है जिदे पिंड च जाने मन नहीं करदा, ए तां मौकी न ओ तां ऐसे ही बोले। हां देखी ले मौकी जेडे की ए नहीं है, मतलब उन सड़क छड्डी के मतलब जंगले जा सकदे। हां जेड़ा बंदा एक बारी तां जे पता पिंडे दे शहरे विच आईए ना, सब कदी दिखे तो हटाए ना पिंडे च हुंदा बड़ा घट, हसियां आईए कदी तां आईए कदी। सही गल है, चलते हैं। हम पहुंच चुके हैं टलियारा, और वहां पे नीलू भैया की शॉप, तो जिसको भी काम करवाना हो अपना, है ना नीलू भैया, करवाए सकते हैं ऑनलाइन फॉर्म वगैरह भराने, उन्हें फोटो खिचानी है, उन्हें कहना ए है ड्राइवर को, और भैया इन्फॉर्मेशन भी देते रहते हैं कि कब कौन सा फॉर्म भरना है। तो यहाँ देखो, और हमारे टलियारा में दो बोलती कॉलेज मशहूर है, एक तो डिग्री कॉलेज, एक सागर कॉलेज, और यहाँ पे कुनी भी अकेडमी जी कोचिंग रहनी हो तो एक तो स्टार अकेडमी बड़ी फेमस है, दूसरी फेमस अकेडमी है इतनी भवानी अकेडमी, मतलब दो अकेडमी बहुत ही फेमस है, मतलब इतों तो आए ने कोचिंग ले सकते भर्ती होने की, चाहे बैंक च कहे जी भी भर्ती होना चाहते ना सरकारी नौकरी वास्ते। नीलू भैया मेरे ते भी है कोई भर्ती तेरे ते आईटी पूरी नहीं होनी, भर्ती बैंक बूंका तैयार कर सकती है।
बैंक मुंक ही तो उसके दिमाग लाना पड़ा, दिमाग भी नहीं, दिमाग भी लोग कहीं मिल दिमाग भी लोग कहीं मिल कोई बिना दिमाग के काम दसा, बिना दिमाग के काम, बिना दिमाग के डा, बिना हाइट डा नहीं तो हाइट तो है ये ब्रेन दिमाग तो ज्यादा ज्यादा कम में बीच तो ज्यादा दिमाग तो शूटिंग ही करिया थी गाने कर रही शूटिंग ही करने नहीं सही थी है। और ये यहाँ का बहुत ही फेमस पुल बना, ब्रिज बना, इस ब्रिज पे काफी ज्यादा वीडियोस बनाते हैं बच्चे, महिलाएं, कन्याएं और कपल्स एंजॉय करने आते हैं यहाँ पे। बहुत अच्छी जगह, लव वर्ल्ड। तो दोस्तों ये रहा बगलामुखी माता मंदिर और ये पड़ता है कांगड़ा के रास्ते में ही पड़ता है और बहुत ही प्यारा मंदिर है। अब यहाँ पे कोई भी विश मांग लो वो पूरी होगी होगी, सच बोलूँ मैं। अब मेरी वीडियोस में देखते होंगे कई बार मैं बगलामुखी माता मंदिर गई हूँ और आप सारे पूछते भी हैं कि मंदिर कहाँ पे है, तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे है, पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, कांगड़ा के रास्ते में ही है। तो ज़रूर आए और माथा टेक के जरूर जाए, यहाँ पे हर एक मनोकामना पूरी होगी आपकी। गाइस तो हमारा छोटा भाई आया है, छोटा भाई कॉल जी पढ़ता नीलू भैया तनु जो तने तेरे तरफ मैंने कैमरा घुमाया था, स्टोरी जी फुल बता दी हमारे क्या ब्लॉगर बने के लिए। तू इधर तो देखो हमारे साथ आज अंकित विनी हमारे साथ है, तनु जा और साथ में सिंगर साहब दिस इज यार आप जानते हो तो पैसे पाए थे 100 नोट भी है ताकि ले किराया। और हमारे साथ है माही दी, ये गिर गई नीचे दीदी है, माही दीदी भी है। माही दीदी और कैसे हो, बड़े टाइम के बाद मिल रहे हैं हम, तो शूट पे है ना, शूट पे मिलना होता है, हाँ ऐसे नहीं है टाइम किसी। तो हमारे नीलू भैया बन चुके हैं पुजारी। तो गाइस अभी हम पहुंचे थे और हमने तैयार हुए हम थोड़ा सा थोड़ा सा तो गाइस उधर भी मेरा ब्लॉग बन रहा है, सुपरस्टार, ओह माय गॉड। ये यार तेरे फोन कौन सा है, नहीं नोकिया का तो नहीं लग रहा, आईफोन है, पर कौन सा है ये किसने, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते मुझे क्या पता, मैंने दिया है पिछले साल तो दिया था तूने, भूल गई यार, इतने अमीर लोग भूल जाते हैं, अमीर कहाँ हुआ है यार। तो गाइस अभी हम पहुंचे थे और हम तैयार हुए और उधर शूट चल रहा है। अंकित बताओ फिर मतलब कैसा शूट होने वाला है, अमित भैया बताया आपको, हमने हाँ, तो नहीं बताया कि वो राम भगवान के ऊपर शूट कर रहे हैं, मतलब गाना बहुत ही प्यारा गाना है, जय श्री राम। आप सभी को पता ही है कि 22 तारीख को राम मंदिर में राम जी का राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है और हम भी उनके लिए गाना निकालने वाले हैं, एक अमित भाई और सभी निकाल रहे हैं आजकल, अमित भाई भी निकाल रहे हैं। दूसरी दिवाली बनाने के लिए तैयार रहो, सिंपल बात है, मैं ये बोलूँ हाँ दूसरी दिवाली बनने जा रही है और सभी बनाएंगे, है ना, जय श्री राम बोल दो, जय श्री राम बोल दो, मतलब जय श्री राम बोल दो, शर्मा गए भाई। आज हम पहुंचे और हमारी लोकेशन है कांगड़ा, कांगड़ा में आए हम, देखो नीलू भाई को हमने बना दी उधर भगत, अचानक से गोरे हुए थे, क्या हुआ, हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये तो लाइट से और काली हो गई। और अमित भाई हमारे बहुत अच्छे लग रहे हो आप, आप तो बोल रहे थे कि जल्दी जल्दी आओ, आप तो अभी पजामे में ही हो, बेइज्जती हो रही है आपकी, मैं बेइज्जती नहीं कितनी यार, जिसके बोलने से बंदा हंस पड़े खुशी, ये दो मिनट की खुशी मिले हो क्या चाहिए, मैं बेइज्जती कितनी मित हुई है, ये बोले तो कि भड़का दे मेरी मेरे थ्रू, आप बता दो ना आप पार्ट टाइम भी जॉब करते हो क्या, तो भाई पार्ट टाइम भी जॉब करते हैं, बच्चे
इस तो जो हमारा फर्स्ट टेक वो उसमें बहुत अच्छा हमने किया और मेरे को स्पेशली विलेन का रोल मिला हुआ है और बहुत अच्छा रहा है, विलेन का रोल मिला हुआ मुझे। और जो मैं अत्याचार कर रही हूँ वो आपको बताएंगे किसका अत्याचार है, अभी तो नहीं बता सकते, बाद में बताएंगे, कोई नहीं, घबरा रहे नहीं, आपने सॉन्ग में आपको बताएंगे। मैं वैसी हूँ नहीं गाइस, वैसे बनना पड़ रहा है गाने में, बुरी इंसान है ना अंकित, तू भी बुरा इंसान बना ना, तू भी बुरा इंसान बना हुआ गाने में। वित्त भैया आप, वित्त भैया आप कैसे इंसान बने हुए, बहुत अच्छे यार आप, मतलब आपने हमें क्यों बुरा ऐसा रोल दिया हुआ है, कैसे है हम कमौली का टाइप है, नीलू भैया को बहुत अच्छा रोल मिला हुआ है, नीलू भैया कुछ दे दे, कोई ना ब्याह नहीं होगा, उन्हें ब्याह मिंजे ना करा सकते हैं, मिंजे नहीं करा सकते हैं आज के लिए, क्या करा सकते हैं मिंजे ने ब्याह करा, नीलू भैया तो ये वैसे एक बार ब्याह इन्हें मुंडवा तो होना ब्याह, दो ही डर लाया कोई कुड़ी है कुंवारी तो दसा दोस्तों मित्तु भाई है, बस हमारा दिखा गया मित्तु, बस भाई ये तो ही है क्या खाना, खाई पी लेना, पीना क्या है, पानी पीना है, बहुत अत्याचार चल रहा है बहुत ज्यादा, ऐसा रोल आपने कभी देखा नहीं होगा, राम भगवान जी का गाना है और बिल्कुल गुंडे वाला रोल मिला हुआ मुझे, आप देखोगे नया रूप आपके सामने आएगा इस बार, नया रूप आपको पता क्या हो सकता है, नया रूप मतलब कि जैसे लड़की होती है ना ऐसे होती है जो दूसरे पे अत्याचार करती है, मतलब बिल्कुल अत्याचार करने वाली हूँ मैं इस टाइम, और मित्तु भाई ने मुझे शक्ल देख के ऐसा रोल दिया, बोलो आप करो गुंडे वाला, बताओ गाइस मैं हूँ ऐसे नहीं हूँ ना, पता नहीं दे दिया ऐसी शक्ल लगती है चलो नहीं देखते हैं, पता आगे गाइस बहुत अच्छा ब्लॉग होने वाला है हमारा, लास्ट तक जरूर देखते रहो, अब अभी और भी है गाइस, ये हमारी लोकेशन जो राम मंदिर जी का मंदिर है, तो ये है राम मंदिर जो हम इधर शूटिंग कर रहे हैं, ये लोकेशन है हमारी, और ये घर है, पूरा दिखाते हैं आपको, बाहर से भी दिखाएंगे बट आप अंदर से भी देख लो, और भाभी जी हमारे भी बोर हो गए हैं, भाभी जी क्या हो गया आपको, एक्टिंग कर रहे हैं, और आप सभी के लिए सरप्राइज है भाई, देखो भाभी सैड पता क्यों है, कुछ नहीं खाते है, सच बोल दे भाभी भूख लगी ना, खाए दे। तब भाभी जी को भी रोल मिला हुआ है इस बार गाने के लिए, फर्स्ट भाभी जी आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो गाने में कि पहले किया हुआ है ना, मुझे पता है मैंने सुना है वो गाना आपका, और अभी सेकंड टाइम कर रहे हैं भाभी जी रोल, और बहुत अच्छा होने वाला है, बोले भाले हमारे भाभी जी आपको कैसा रोल दिया हुआ है, प्रेम चोपड़ा वाला मुझे जो कमोल का वाला दे दी, ड्रेस चेंज करें, चलो जी चलते हैं, अभी हम कर रहे हैं एंजॉय, क्योंकि आपको पता ही है कि शूट था और शूट से अभी हम थोड़े से फ्री हुए हैं, तो अभी हम कर रहे हैं एंजॉय, अंकित कुछ बोलना नहीं है आपको, जट दिया चले सरदारी चले सरदारी चले सरदारी, तो गाइस गाइस मैं आपको सच्ची बताऊं, हमारी जो फ्रेंड सर्कल है ना वो काफ़ी दूर दूर से है जो सोशल मीडिया का है, पर जब भी हम मिलते हैं तो बहुत अच्छे से मिलते हैं, हर कॉल पे तो कम ही बात करते हैं, पर जब भी करते हैं बहुत अच्छी बात है गाइस, भूख लगी इसको ना बहुत से, तो कुछ भी गई रही है समझ मैं पता नहीं लग रहा यार गाइस, इग्नोर मतलब बातों को बोल रहा हूँ मैं, ऐसे नहीं मतलब, ऐसे बहुत अच्छी लड़की है आप लोगों को पता ही है, सब्सक्राइब करो जल्दी से, और जल्दी से इनके 1,00,000 सब्सक्राइब करो, इनको सिल्वर प्ले बटन आए, उसके बाद गोल्डन प्ले बटन आए, और नहीं उसके बाद कौन सा था, डायमंड आता है, हाँ उसका डायमंड आता है, गोल्डन का डायमंड आता है, आपको मतलब सारी खुशियां, अभी आपको क्या लग रहा है, मतलब कि अभी मैं आपने देखा कि मेरी रील्स पे भी कम हो, और अभी यूट्यूब नहीं, मैं तो बोलता दोनों ऑडियंस अच्छी है, कितने मेरे को तो आते बोल दिया, बोलते क्या चक्कर है रील्स कम बना रही है, कि इसे यूट्यूब पे फोकस करो, और मैं तो ये बोलूंगा, और खूब सारा सपोर्ट करो भाई जी, इसको बहुत अच्छी लड़की है, थैंक यू, अपने बंदे को जब बंदा सपोर्ट करता है, मैं तो अपने हिमाचल से एक लड़की आगे जाए तो बहुत अच्छा लगेगा, मैं गाइस अंकित के जितने फैन है ना
गाइस अंकित के जितने फैन है ना वो मेरी साइड आ जाएं सारे। हमें खाना चाहिए था ना, हमें ना वो करनी चाहिए, स्ट्राइक करनी चाहिए, हड़ताल हड़ताल करनी चाहिए। अभी तो खाया हमने समोसा, लोगों ने थोड़ी ना देखा, लोगों ने खाली प्लेट दे रही तन्नू है क्या प्लेट बेचने वाली बने गई तू। गाइस तो हमारा भी हो रहा है शूट, अभी जो तू सोचती माइंड में अगर वो यहाँ पे आ जाता तो क्या सोचती? मैं क्या सोचती मतलब क्या मतलब समझ, खाने के लिए क्या सोचते तुम जो एकदम से? अच्छा एकदम से आ जाए, मेरे को चाहिए थे एक प्लेट मंचूरियन, फिर चाहिए नूडल्स, कैंसिल कर देती हूँ मैं क्योंकि नूडल्स मेरे लिए मुझे बुरे लगते हैं, नहीं अच्छे लगते हैं मतलब, नहीं नूडल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं पर चक्कर ये है कि मेरे लिए सही नहीं है नूडल। ढंग से सुना क्या बोला, मतलब तू कोई भी एक विश मांग वो पूरी हो जाएगी, वैसे तो कुछ भी मांग सकती है, कुछ भी खाने को मांगना पैसे मैं नहीं, मुझे बताना चाहिए गाड़ी मांग, आपको क्या चाहिए? आप मतलब आपको ये बोल रहा है कि आपको ना मतलब कुछ मांगने को मिले इस टाइम, तो आप क्या मांगोगे? मैं मांगूंगा अंकित की शादी हो जाए जल्दी, अंकित की शादी हो जाए और मैं गाइस मुझे चाहिए बहुत सारा नहीं कुछ भी नहीं चाहिए, पैसे तो नहीं चाहिए गाइस पैसे नहीं चाहिए मुझे, मैं ना सुपर स्टार बन जाऊँ, हाइट लंबी हो जाए मेरी, सुंदर हो जाऊँ, बड़ी सुंदर हो जाऊँ, बाल लंबे हो जाए मेरे, हो जाएगी कंप्लीट पर अगले जन्म में सब कुछ होगा, तुम कोशिश करो इस जन्म में मेहनत करोगे भगवान तुम्हें देखेगा, तुम मेहनत कर रहे हो कि नहीं? मैं बहुत स्मार्ट हूं, थोड़ी सी और हो जाऊं तो अच्छा रहेगा। सुन रहे हो? हाय गाइस अभी शर्म आ गई मेरे को। गाइस तो हमारा जो हाफ शूट था वो हो गया और आप सभी को मैं बताती हूँ कि हमें ना शाम ही होगी मतलब 5 बज चुके हैं और हमारा शूट अभी चल ही रहा है, और गाइस गालियाँ तो नहीं पड़ेंगी मुझे क्योंकि मेरे साथ नीलू भैया हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, नीलू भैया मुझे छोड़ देंगे करते हैं ना नीलू भैया? बिल्कुल बिल्कुल, और मैं तो भगवा कुर्ता पजामा पहन लिया आज, राम भक्त लग भाई जी आज पूरे राम भक्त लग रहे हैं, राम राम जी सारे हो। तो गाइस हमारा ये गाना भी बहुत जल्दी कब आएगा? ये गाना हमारा 22 जनवरी से पहले आ जाएगा, 22 जनवरी से पहले आ जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। तो गाइस आप लोगों ने जरूर सुनना है और हम भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं इस टाइम, आप देख सकते हैं काफी। और यहाँ पे हमारे जो कांगड़ा में भाई साहब हैं इनका गाइस नीलू भैया को देखो क्या काम करने को दिया हुआ है, नीलू भैया बेचारे हमारे बोलने वाले भैया गाइस तो हमारा और शूट और हमारी माही दीदी भी थक गए, माही दीदी देखते देखते थक गए हम गाइस तो हमारे भाभी जी बने हुए हैं गाने की हीरोइन और बड़े भोले भाले बने हुए हैं गाने में और वहाँ पे चल रहा है शूट हमारा, ठंड बहुत ज़्यादा है आप देख ही सकते हो, पहले धूप लगी थी अभी ठंड लग पड़ी है। इस तो जो आपको पीछे वाली लोकेशन दिखाई दे रही है हम यहाँ पे रुके, हमारा यह शूट यहाँ पे है कांगड़ा में और गाइस हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं अभी। तनुजा बड़ी खुश है, तनुजा बीमार होने लगी है, चिल्ली ऐसी बीमारी है, उन्हें भी है ना आपको खराब है यादों नेर पौंदियां ने तेरे तो ब।
वाह वाह वाह, मजा आ गया गाना सुन के। लड़के में टैलेंट देखो आप छोटे से बच्चे में। भाई बच्चा भी आ गया। नहीं बर्थडे की स्टार्टिंग हो गई। नहीं नहीं भाई, लड़के में टैलेंट देखो आप गाइस, बहुत ही बढ़िया गाना। आपको कैसा लगा गाना? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा गाना। आपको, आप तो खुद सिंगर। तुम जाना है समय मरीज बन चुकी है नकली की, पर भगवान करे असली में कभी बीमार ना पड़े ऐसे। हाँ कल रात तूने बहुत पी ली थी ना, आवाज से लग रहा है ना कोल्ड ड्रिंक। मैंने बोला था सभी को कि मुझे बीमार वाला दोष थोड़ा सा। भाई लाइट ऑन तो करो इसकी सारी। अच्छा हो क्या मरीज बने करे तो। क्या मरीज बने करे तू, क्या डॉक्टर बने करे तू। अरे अब लाइट हुई, अब तो बहुत प्यारा रहा शूट यार। गाइस मैं जब शूट स्टार्ट होता तब दिखा दो ठीक है। हम ताले हैं तो त्या हुआ दिल वाले हैं। ये बंदा गला रही है फिर मैं काल तो से गलाई से तो तुमने तो शैल लगाई है। तो भी है कर रहा हूं बस। बहुत दुख हो रहा मुझे बताते हुए, ये बीमार पड़ी झूठी मोटी की। जल्दी बीमार आदमी पे फोकस करो। ये बड़ा सही आया था कैमरामैन, जल्दी बीमार आदमी पे फोकस करो। तूने तभी खांसी कर दी पता है। आपने कैजुअल होके नहीं बैठना है ठीक है, आप उधर ना इन देख के ना कि क्या इनके सिर पे ऐसे रखोगे। आए मतलब मैं टपकने वाली हूं थोड़ा सा टांगे से दी और थोड़ा नीचे आ दो, थोड़ा नीचे आ जा। नहीं नहीं ज्यादा हो गया, नहीं ये बड़े मम्मी की एक्शन ब्रो। क्या क्या करना पड़ता है, वाओ सीरियसली। ये सच्ची में मार है। ओ भाई ये डब सीन ना, ये सेवा कर रहे हैं करता तो सच्ची में मार ही फिर करना नहीं बस ठीक। बीमार तनु जा संकरी भाई, एक मिनट तो कथा छोड़ संकरी। ये ब्रांड च छोड़ दे रिवोली बनानी बनाई ली सुके रंग की फिर तेरी थंबनेल ली फोटो फिर हो गया हो जाते भाई। क्या अगला लेके ये कर ले ठीक है। ओ ये ना पैंजी ठीक तो हाँ कोई गाल नहीं घबराते ओ अपनी छड़नी। भाई ये वाला शॉट हुई है ना बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया शॉट है पूरी हुई है। हां इन्हें इन्हें बाबा जी डले आ रहे थे भाई। नहीं भाई चलो 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 3 2 1 एक्शन गाइस। बाबा जी डले आ रहे थे भाई ने ओ अप्पू रखा था बीमार भाई बीमार अप्पू रखा सिर पे छोड़ दे खांसी रोको खंगा रोका जा बाबा जी बंदा कम होता जाना। हां बाबे करना ठीक होना बाबे देंगे मार देना बंदा। तो अभी हमारा चल रहा है लास्ट शूट है ना, लास्ट लास्ट चल रहा है और आप देख सकते हैं मधु दी ने कितनी प्यारी पेंटिंग बनाई, रंगोली बनाई। रंगोली यहाँ 101 कर दिया करने स्वागी ਸਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਤ ਹੋਈ ਹੋ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਦੇਣਾ ਪੋਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਹੈ ਸਭ ਪੱਕੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਰੰਗੋਲੀਆਂ ਬਣਾਣਾ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਗਾਣਾ ਗਾ ਲਓ ਮੋਹੀ ਮੋਹੀ ਜਿਹਨਾਂ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਪਕੌੜੇ ਪਕੌੜੇ ਖਾਦੇ ਹਾਂ ਸਮੋਸੇ ਖਾਦੇ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਚਾਹ ਦੇ ਗਲਾਸ ਵੀ ਦੋਏ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬੋਲੇ ਬਾਈ ਬੋਲੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਬੱਖ ਲੱਗਣੇ ਬਿੰਨੀ ਬਾਈ ਗਲਾਇਆ ਮੈਂ ਬਿੰਨੀ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਾਇਆ ਨਾ ਇਹਨੇ ਹਾਂ ਬੋਲਾ ਬਿੰਨੀ ਬਾਈ ਗਲਾਇਆ ਬੋਲੇ ਚਲੋ 21 ਰੁਪਏ ਲੱਗ ਦੇਣਗੇ ਗਲਾਸਾਂ ਧੋਣੇ ਅੱਛਾ 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 ਔਰ ਯਾ ਬਈ ਆ ਗਏ ਜ਼ਮੀਨ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰੇ तो हमें सरकार की तरफ से घर मिल रहा है। मैं इन दोनों के नाम करती है। अच्छा थैंक यू सो मच, दोनों के नाम कर दिया बरे का कोई नहीं किया फिर भी इनको हम घर से निकाल देंगे बाहर। ठीक है ठीक है ठीक है भैया किसको निकालने ठीक है बड़े भाई जय श्री राम। बड़े भाई क्या पालन करते हैं एक्चुअली मैं घर इनको इसलिए दिया है
दोस्तों घर इनको इसलिए दिया क्योंकि एक्चुअली जो घर वाले मेन मालिक हैं वो रहते हैं पुराने घर में, और इस घर की देखभाल के लिए इन दोनों को घर दे दिया है। वैसे इनका रूम अलग है, हमारा जो यहाँ पार्क है पूरा पार्क का एरिया है ये देखना पड़ता है, घास वगैरह देखनी पड़ती है, बाकी जो जाले होते हैं ना घर में वो बहुत रखते हैं, झाड़ू से नहीं हो तो बिन्नी भाई उसको जीप से साफ करते हैं। दोनों रूम से निकलेंगे, जो आपके बड़े भाई हैं और आपके भाभी हैं रूम से निकलेंगे, और जमीन आपके घर के कागज आपके नाम करके निकल जाएंगे है? और आपने क्या कर उनको रोकना है, रोकना पड़ जाना कम से कम 5-6 बार कपड़े चेंज हुए हैं समझ लो। इतनी ईमानदारी से रंगोली बना रहे हैं वो तो दिखा दो यार। किसी ने भी रंगोली बनानी होती कुड़ी नो संपर्क करे बड़े गाइस ऐसे 130 दिल बैठते ने और तुड़ू चौकी सजड़ी आई गई ओए होए ओ राम जी और के 22 तारीख नु राम जी और के होए होए जय श्री राम जय श्री राम। तुड़ू चौकी सजड़ी या बेला आयो शिव मेरे स्वामी आ आए हाय गाइस इसे भूत आ रहा है। कौन सा भूत आ रहा है तेरे को? है माता, माता? पिता। गाइस तो ये कर रहे हैं अभी वीडियो शूट रील्स के लिए, क्योंकि बाद में हमको रील्स भी डालनी पड़ती है ना, तो और सामने अभी ना यार हमें लेट हो गया था थोड़ा सा, तो ये सारे बोल रहे थे कि जल्दी जल्दी करो और शूट ना ख़त्म करो, तो ना मतलब हमने थोड़ा जल्दी जल्दी में करने लगे वीडियो इनकी बनाने के बाद, फिर हमने वीडियो शूट किया, फिर यार पता क्या अंधेरा भी बहुत ज़्यादा हो गया था, और अंधेरा काफ़ी होने की वजह से हम यार लड़का भी साथ में था ना नीलू भैया का लड़का भी हमारे साथ आया था, तो बच्चे को रात को लीना और सही नहीं रहता, तो हमने जल्दी तो हमारा किया। जो शूट था वो ख़त्म हो गया, हमने बहुत इंजॉय किया, थोड़ी थोड़ी क्लिप डाल दूँगी, सारी नहीं डालूँगी, थोड़ी थोड़ी डाल दूँगी, और नीलू भैया तो मेरे साथ ही जा रहे हैं, और भैया ने भी बहुत अच्छे से हमारा वो किया समर्थन किया, और अंकित भी जा रहा है अपने घर को, अंकित मैं यहीं पे रहूंगा, मैंने कहा हाँ, तेरे घर तुझी है अंकित के घर यही है, बहुत मजा आया, बहुत बहुत इंजॉय किया हमने, और माही दीदी भी जा रहे हैं, हेलो माही दीदी आपके घर भी इधर ही है, हाँ इधर ही है, पड़ोसी पड़ोसी हमारे नए पड़ोसी। गाइस तो हमने आज राम भजन किया और हमें बहुत मजा आया करने में, और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं 22 तारीख की राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, तो गाइस फिर से बोल दे जय श्री राम, जय श्री राम, बाय बाय। क्या बोले? कल चल जाना, कल ही चले जाना, नहीं जाना पड़ेगा यार, इधर रुक, नहीं जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, गाइस सारे जा रहे हैं, थैंक यू भाई, राजी रहो, सुख शांति, थैंक यू भाई, सुख शांति, सुख शांति, सुख शांति। गाइस ये रास्ता थोड़ा अटल पटल था, तो करके ऐसे चले गाइस, सारे जा रहे हैं, बहुत दुख हो रहा है, मैं भी जा रही हूँ साथ में। हमने ब्लॉग तो वैसे एंड कर दिया था कि हमें बहुत सेलिब्रिटी मिल गई, हमारे भाभी जी मिल गए हमें इधर, और नानकी जी मिल गए इधर, हम चलो तू भाई ले आना, और रास्ते में मिल गए हमें। तो गाइस हमारा ब्लॉग होता है यहाँ पे ही ख़त्म, और अभी हम जा रहे थे घर में, और नीलू भैया भी हमारे घर पे रुके थे, बाद में हम साथ में ही थे, और गाइस लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे तो और ज़्यादा अच्छी अच्छी वीडियोस आएंगे हमारी यूट्यूब पे, तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें शेयर करें जो करना आपको सब कुछ कर दें आप, हमें सब कुछ अच्छा